जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी वो कॉन्फ्रेंस। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही चला था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम कर नहीं रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा और वो बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है, होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर जिशान साहब, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं? टैक्सी द्वारा यहाँ से 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने उसका चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी वो चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में वही गनीमत समझिए कि गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन, यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे का सफर कुछ आराम से कटे। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया जब फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी आपके इखलाक और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीर की खिदमत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद उसे ज्यादा समय लग रहा है, जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। तब डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया ने बताया, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है मेरा पोता है, ना इसकी माँ जिंदा है ना बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है, उनका नाम है जिशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ, जाऊँ भी तो पता नहीं वो देखने पर राजी हूँ या नहीं। अल्लाह से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक आ जाऊँ। खुदा की कसम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि खुदा एक दुआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इस तरह आसानी मुहैया करा सकता है। वो मुसब्बुल असबाब है, अल्लाह के बंदों उसे लौ लगाकर तो देखो, जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है वहाँ से उसकी खुदाई शुरू होती है।